हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 19, बेसिकली सेकंड लास्ट डे ऑफ महाराष्ट्र टूर। कल तक हमारे 1830 किलोमीटर्स हो गए थे। आज हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे, जाएंगे टूवर्ड्स शिरवल। अभी देखते हैं, और 170 किलोमीटर ही बाकी है, तो ट्राई करेंगे कि आज के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। मुझे लास्ट डे के लिए ज़्यादा रखना नहीं है, तो अगर आज गलती से 120 के आसपास हो गया तो मज़ा आ जाएगा। अभी देखते हैं, यहाँ पे खाने मिला तो यहाँ ही नाश्ता कर लेते हैं, नहीं तो आगे किधर तो देख लेंगे। पोहे देना है थैंक यू। मस्त ठंडा क्लाइमेट मिला है। ट्राई करेंगे कि 10 बजे तक सातारा आ जाए, जो यहाँ से 50 किलोमीटर से। वैसा हो गया ना, आगे के और 70 किलोमीटर भी कर दूंगा। जल्दी से जल्दी वो आ जाए, मस्त ठंडी में चलाने भी मज़ा आ रहा है। अभी मास्क लगाना पड़ेगा, सब ठंडा पड़ रहा है। मस्त फॉग पड़ा है, और जो चलाने में मज़ा आ रहा है ना इसमें, ऑब्वियसली ठंडी भी उतनी लग रही है, पर ठंडी कम करने के लिए बॉडी फास्ट साइकिल चला रहा है अभी। मैंने मास्क लगाया क्योंकि मुंह से जो वेपर निकल रहे थे ना, उससे पूरा मेरा गॉगल मतलब एकदम ऐसा ब्लर हो गया था। ठंडी बोलते हैं ना, वो पड़ी है। जो साइकिल चलाने में मज़ा आ रहा है ना यार, फुल एकदम शिमला वो साइड साइकिल चला रहे ऐसे लग रहा है ठंडी में, और स्पीड भी अच्छा मिल रहा है। 30 की स्पीड पे चला रहा हूँ, पर अभी तक थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा है थोड़ा धूप मिल जाए यार, नहीं तो पूरा हाथ मतलब जलने लगा है, इतना स्पीड पकड़ लिया अभी। ये यो मस्त मज़ा लगे साइकिल चला रहे ना बच्चे लोग, ऐसी लाइफ चाहिए। खेत के बाजू में मस्त सड़क है, उस पर चला रहे। स्कूल के दिन ही अलग थे यार। ट्वेंटी फाइव मिनट्स में ही 10 किलोमीटर हो गया। ऐसा ही स्पीड मिलता रहा ना तो जल्दी 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। 120 किलोमीटर करना है, पर थोड़ा थोड़ा आगे मतलब वो एक घाट भी लगेगा। फिफ्टी मिनट्स हो गए, मतलब रुक के एक घंटा ही पकड़ लो, और उमरस आ गया। एक्चुअली 25 किलोमीटर हो गया। मैं जो लॉज में रुका था ना, वो ओनर बोला भाई तुम 50 मिनट से एक घंटे में पहुंच जाओगे, तो मैं बोला अंकल ये क्या बाइक नहीं है, साइकिल है। पर सच में यार 50 मिनट में पहुंच गया, ठंडी में इतना हेल्प किया ना। ऐसा स्लोप मिल जाता है ना, स्पीड पकड़ने में जो मज़ा आता है, और फिर जो 5-10 मिनट वही स्पीड कांस्टेंट रह जाता है। मस्त रोड के ये साइड भी, लेफ्ट साइड भी, और डिवाइडर पे भी येलो फ्लावर्स लगाया था, अच्छा लग रहा है। ज़रा ये वायर पे जो
बर्ड बैठा है ना, मस्त आवाज़ कर रहा है। ये पूरा रोड मतलब कंटिन्यूसली ऐसा ही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और इतना ऊपर नीचे है ना। आज के 50 किलोमीटर करके हो गए, और सतारा आने के लिए और 10 किलोमीटर है। और मुझे लगी है ना एकदम जोर से भूख लगी है, मतलब सुबह वो पोहा खाया उसे कुछ भरा नहीं है। उसके बाद 50 किलोमीटर कर लिए, अभी जाके वापस एक बार नाश्ता करते, आधा एक घंटा रुकेंगे, फिर आगे के 60 किलोमीटर कंप्लीट करेंगे। और ये 10 किलोमीटर अभी बाकी है। मुझे यहाँ से सातारा दिख रहा है, ये सातारा आने के 5 किलोमीटर पहले घाट लग गया भेंड। इधर ज़ोर से भूख लगी और क्या चालू है। फाइनली घाट चढ़ के हो गए, 2 किलोमीटर का था, एकदम सीधा ही है, मतलब ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। इधर से जो होटल बुक किया है ना वो 64 किलोमीटर है, ऑब्वियसली बुक नहीं किया तो देखा है। पर इधर उतरने से पहले ना मुझे एक होटल ऊपर ही दिख रहा है, इधर ही रुक के खा लेते, मुझे अभी और नहीं जा रहा। बहु एक मिसल पाव आणि एक बटाटा भजी, भजी नाही वडा सांबर मिसल शिरा। अच्छा मग एक मिसल पाव कर आणि एक वडा पाव। अभी बहुत ज़रूरत है इसकी, अभी तो खा रहा हूँ, आगे जाके वापस खाऊँगा। ये 3 किलोमीटर पूरा मजा आ गया, मतलब से उतर ही रहा हूँ मैं। और 51 किलोमीटर बाकी है, पर आगे का पूरा रोड पहाड़ों में से ही है, ऐसा होगा क्या पता। मतलब आखिरकार ऐसा पास में एकदम डेस्टिनेशन है और ये सब चालू हो रहा है, कोई नहीं कर लेंगे, अभी क्या घर पे ही तो जाना है। ये लो घाट चालू, सामने भाऊराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज है। क्या लोकेशन मिला है ना उसको, पहाड़ के एकदम बीचों बीच, मतलब इन लोग का कभी पिकनिक जाना होगा तो ये ऊपर ही जाते होंगे। दोनों दिन मतलब स्टार्ट किया था तब से दूसरा दिन और ये सेकंड लास्ट दिन, बहुत डिफरेंस है। तभी एक पहाड़ लग रहा था और अभी हम लोग वो पहाड़ के ना ढलान पे है, जहाँ से मतलब थोड़ा ही एक दिन और उसमें जो मज़ा है ना बिल्कुल इस ढलान जैसा है। ऑब्वियसली चैलेंजेस वही है, मतलब और एक दिन करना है मतलब ओके ईजी नहीं होगा, पर मन को अंदर से जो लगता है ना
और ये पहाड़ जैसे लगते हैं देखो। मुझे अभी पता चला एक बोर्ड पड़ा, नहरों को हिंदी में सकड़ा बोलते हैं, सकड़ा, और मराठी में अरुंद। नहरों हिंदी में सकड़ा, मराठी में अरुंद। नया कुछ तो सीखने मिला। अरे ये ब्रिज पे पूरा मतलब साइड पे कांच का टुकड़ा ही पड़ा है। ऑब्वियसली ये पहला वाला ऐसा रोड नहीं है जहाँ पे कांच है। मैं पूरा महाराष्ट्र घुमा हुआ, अभी हर जगह कांच का टुकड़ा मिलता ही था, पर ये रोड पे ज़्यादा ही है ज़रा। हम लोग पहुँच गए हैं पाचुवड़ में, पर मुझे ये काचुवड़ लग रहा है। थोड़ा आगे जाके रुकते तो उधर से एग्जैक्टली 30 किलोमीटर्स बाकी होगा। थोड़ा अंडा वगैरह कुछ खा लेते, बैठना भी मिलेगा थोड़ा टाइम। हे आता 19वा दिवस, आता 19 दिवसात खर्च। और एक सीखने को मिल गया इधर, सातारा जिला पूरा जो है वो पहाड़ के पूरा ऊपर है। अभी आगे जो भी आएगा, मतलब आपको ये आजू बाजू जो रेंजेस दिख रही है ना, जो भी पहाड़ की रेंजेस है वो पूरी लास्ट है सातारा की। इसके बाद सब नीचे ही जाएगा। अभी आगे जाके एक खम्बा खंडाला घाट आएगा, उसको खम्बाट की घाट भी बोलते। पर मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या हुई है, सिर्फ आते टाइम बड़े बड़े घाट लगते हैं। मतलब मुंबई टू गोवा में किया था, तभी खम्बाट की घाट करके एक लगा था, वो मतलब 2 घंटे चढ़ने को लग गया था। पर जाते समय टूवर्ड्स पुणे जाते समय सब नीचे अभी उतरना है। ऑब्वियसली ऊपर नीचे है वो थोड़ा इंक्लिनेशन आता ही है हर जगह पहाड़ पे। पर जो प्रॉपर घाट रहता है ना वो अभी बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो मेरे लिए एकदम ऐसा दिल को सुकून मिला। मैं आधा घंटा रुकने वाला था, 45 मिनट रुक के मस्त आराम किया, क्योंकि पता है अभी स्ट्रेट ही रोड मिलने वाला है। अच्छा चलो 30 किलोमीटर्स बाकी है, ये भी आराम आराम से कर दे। ये पेड़ कितने बड़े हो गए देखो। मैं अभी ब्रिज पहाड़ के ऊपर ब्रिज पे, ये नीचे से कितने ऊपर तक आए। इधर के गांव के नाम भी देखो, सुरूर, तेरा 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 सुरूर। मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब लाइफ में उतार आता है ना तो हम थोड़े मायूस हो जाते। फर्क अगर साइकिलिंग में उतार आए तो दिल जो खुश हो जाता है ना। ये पहाड़ पे भी विंड मिल्स है। अभी ना ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बेस्ट तरीका है। मैं कभी गांव में घर बांधूंगा ना, मतलब एक तो क्या बोलते सोलर पावर या फिर विंड मिल, इससे घर चलाऊंगा भेंडी। कोई लाइट का झंझट नहीं, थोड़ा मेंटेनेंस लगेगा पर चल जाएगा। ₹1935 हो गए, लास्ट के 14-15 किलोमीटर्स बाकी है। अभी थोड़े टाइम बाद खम्बाट की एक टनल आएगा, उसके बाद 5-6 किलोमीटर उतरना ही है। पर अभी पता नहीं खम्बाट की टनल चढ़ना है उधर तक जाने के लिए, जो भी हो। पर अभी ना मेरा पैर पूरा भर के आ गया,
मतलब मेरे लेफ्ट लेग के नी में 3-4 साल पहले सर्जरी हुआ था। वो मतलब अभी जिधर स्टिचेस पड़े थे ना वो पूरा स्वेल हो गया पूरा पार्ट। ऑब्वियसली रोज ही होता है, वो तो लाइफ टाइम के लिए रहने ही वाला है, पर अभी थोड़ा मतलब ज़्यादा हो रहा है। तो कभी एक बार लॉज पे जाता और सो जाता ऐसा हो रहा है मुझे। पर पूरे मतलब अभी 19 डेज की जो मेहनत है ना रंग लाई, ये पैरी तो है पूरा साथ देने वाले। ये सामने है होटल आराम और मुझे आराम की बहुत ज़रूरत है, पर 15 किलोमीटर के पहले नहीं। यहाँ पे लगता है साईं बाबा की महाराष्ट्र में की सबसे बड़ी प्रतिमा बना रहे हैं। ये देखो सामने, पर आधे तो प्रतिमा खराब हो गई है, क्या कर रहे हैं लोग। ये मस्त बना है, ड्रम लगा के वॉल टाइप बना है, सही लग रहा है। ये लो और राजे की मूर्ति। राजधानी सातारा। ये लो खंबाट की टनल आ गया, पर ये थोड़ा डेंजरस ही है क्योंकि इसका मतलब बहुत छोटा है यार, मतलब अभी संभल के जाना पड़ेगा, पर फटाफट जाना पड़ेगा। हाँ, जो स्लोप मिला है ना इधर से, बीच में कुछ खड्डा बिड्डा ना आ जाए उसका ही टेंशन है। खड्डा तो है, पीछे से जो गाड़ी आ रही है ना जोर जोर से, टेंशन नहीं आ रहा इधर। ये सही एक्सपीरियंस है, पर जो ठंडा हवा आ रहा है ना, 19 दिन की मेहनत रंग लाई। इसके पहले मैंने कभी मतलब इतने बड़े टनल में से नहीं चलाया था। ऑब्वियसली सेकेंड टाइम है मैं टनल में से चला रहा हूँ। मुंबई टू गोवा के टाइम कात्रज टनल में चलाया था, उसके बाद ये है। ओह मज़ा आ गया। अभी चलो सिर्फ नीचे उतरना है। पूरे दिन की थकान एकदम मिट गई। सिर्फ अभी साइड से चलाते, पीछे से गाड़ी जोर से आएंगी। मजा आवी गयो एकदम मस्त पाजी, ऐसा चाहिए। कोई लैंग्वेज और मुझे आता नहीं है, बंगाली थोड़ा थोड़ा। ये मतलब ये लोग के आमी तुम्हारे भालू बच्ची, और कोई आता नहीं है मुझे। एक कोंकणी आता है माँ का, एकदम आवड़ लो। ये मालवाणी कोंकणी मिक्स हो गया। मैंने मुंबई टू गोवा किया था ना, तभी ये सामने वाला पहाड़ पूरा चढ़ के जाना पड़ रहा था। इधर बना हो रहा है इधर से जाने के लिए कोई, तो ये बार बार कौन अभी ये साइड जाते समय चढ़ाएगा। ये मस्त है स्लोप, ये 2-3 किलोमीटर तो पार कर लिया ऐसे ही। सिरवड़ में आ गए, अभी ढूंढते हैं होटल लॉजिंग जो भी मिल जाए, क्योंकि अभी मेरी हालत पुख्ता हो गई एकदम। एक इधर आ रहा है भाई, मुंबई टू गोवा किया था तो इधर ही रुका था,
आज भी इधर ही रुकते हैं। फाइनली रूम पे आ गए हैं। 120 किलोमीटर आज के हो गए, सो टोटल डिस्टेंस हो गया 1950 किलोमीटर। और करके लिए मैं मतलब जिधर मैं रुकने का सोच रहा हूँ वो पूना सिटी में, तो उधर तक वो डिस्टेंस 60-65 किलोमीटर होता है, पर हमारा 2000 उसके पहले ही ख़त्म हो जाएगा। कल के लिए कम ही डिस्टेंस है मस्त, तो कल जाके तो पहला मैं पिज़्ज़ा नहीं तो केक कुछ तो खाऊंगा। एकदम दिल को ऐसा मतलब अच्छा फीलिंग हो रहा है, जब स्टार्ट किया था तभी लगा भी नहीं था मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, पर हियर आए 50 किलोमीटर्स अवे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बस क्या अभी मैं सोता हूँ मस्त खा के। वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों को ये रिकमेंड हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारी YouTube फैमिली ग्रो कर सके। और 2 लाख सब्सक्राइबर का गोल तो याद होगा ही आपको इंडिया टूर के लिए, तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।